हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है जाति और वर्ग में अंतर बताइए। तो जाति क्या होती है, यह हमें जन्म से ही मिल जाती है जाति, लेकिन वर्ग क्या होता है, एक सामाजिक परिस्थिति पर आधारित होता है। यानी हम स्कूल जा रहे हैं तो हम अपने वहाँ अपने फ्रेंड बनाएंगे, तो हमारा क्या हो गया, वर्ग हो गया। लेकिन जो हमारी जाति है वो हमें क्या मिलेगी, बर्थ से ही मिल जाएगी। यह एक बंद समूह होता है। अब क्योंकि हमें जाति जन्म से ही मिल रहे हैं तो हम इसमें खुद तो कुछ कर नहीं सकते, तो ये कौन सा समूह हो गया, एक बंद समूह हो गया। लेकिन वर्ग में हम क्या होता है, जैसे जैसे हमारी परिस्थिति आती जाएंगी वैसे वैसे हम अपने हिसाब से वर्ग बनाते जाएंगे, तो ये क्या है, एक खुली व्यवस्था है। थर्ड, विवाह खान पान आदि के कठोर नियम होते हैं। जाति में विवाह खान पान आदि के क्या होते हैं, कठोर नियम होते हैं। उनकी संस्कृति भी अलग होती है, संस्कृति भी होती है, लेकिन जो वर्ग है उसमें कठोरता नहीं होती, उसमें तो हम अपने हिसाब से कोई भी रूल्स कैसे भी बना सकते हैं। फोर्थ है, यह स्थिर संगठन है, यह कम स्थिर है। जो जाति है वो जन्म से मिली हुई है, तो जब तक हम मरेंगे नहीं जब तक हमारे साथ तो वो रहेगी। लेकिन जो वर्ग है वो हमारा, कभी कभी हम अपने कुछ काम के लिए भी वर्ग बनाते हैं, तो वो काम ख़त्म हो गया तो हमारा जो वर्ग है वो भी ख़त्म हो गया। ये क्या हुआ फिर, इसमें कम स्थिरता है और इसमें क्या है, ये स्थिर रहते हैं, ये एक क्या है, स्थिर संगठन है, और ये उसके जाति के हिसाब से कम स्थिर है। फिफ्थ है, यह प्रजातंत्र व राष्ट्रवाद प्रतिकूल है। यानी यहाँ पे प्रजातंत्र क्या है और राष्ट्रवाद क्या है, प्रतिकूल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रजातंत्र और राष्ट्रवाद में बाधक है। तो ये इसके डिफरेंस थे, इसमें जाति जन्म आधारित होती है, ये वर्ग परिस्थिति पर जो भी बनते हैं सामाजिक परिस्थिति के आधार पर बनाए जाते हैं, ये एक बंद समूह है, ये खुली व्यवस्था है, यहाँ पे जो नियम है वो कठोर होते हैं, यहाँ पे नियम कठोर नहीं होते, ये स्थिर संगठन है, और यहाँ पे ये जाति के हिसाब से ये इसमें जो स्थिरता है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो यानी कम स्थिर है। यहाँ प्रजातंत्र व राष्ट्रवाद प्रतिकूल होता है, यहाँ पे क्या होता है, प्रजातंत्र व राष्ट्रवाद में बाधक होते हैं। तो ये हमारे कहता है जाति और वर्ग में अंतर था।